हेलो फ्रेंड्स, मिसेज एक्सपर्ट किचन में आपका स्वागत है। मैं सोनिया गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड से रसमलाई, वो भी बिगर गैस जलाएं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, तो आप एंड तक मेरी वीडियो को देखिए। मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया एक गिलास दूध और हाफ कटोरी मलाई। तो मलाई को मैं थोड़ा सा फेंट लेती हूँ, हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और जल्दी से हम ये रसमलाई बनाएंगे। तो अब मैंने इसमें डाला है मीठा, आप मीठा थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि रसमलाई जो है मीठी ही अच्छी लगती है, फीकी फीकी अच्छी नहीं लगेगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मीठे को कर लिया है मिक्स और जो मैंने मलाई फेटी थी उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए, वो भी मैंने इसमें डाल दी है और हमारा जो है रसमलाई का मिल्क जो है बिल्कुल हो गया है रेडी। देखिए, हमें ऐसे ही मिल्क बनाना है और दूध जो है हमारा ठंडा था, गर्म नहीं था, क्योंकि हमें ठंडी ठंडी रसमलाई बनानी है, वो भी इंस्टेंट। तो अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड्स और ब्रेड की स्लाइस को मैं कट कर देती हूँ। देखिए, साइड से मैंने इसकी स्लाइस को कट कर दिया है, हमें स्लाइस की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप स्लाइस का कुछ और बना सकते हो, किसी और डिश में इसे यूज़ कर सकते हो, इसे फेंके नहीं। और देखिए, मैंने इसकी साइड्स कट कर ली है, ऐसे ही मैं सारी ब्रेडों की स्लाइस जो है कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ और ब्रेड ले लिया, उसकी भी स्लाइस मैंने कट कर लिया। और देखिए, हमारी ब्रेड बनकर हो गई है रेडी। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम और किशमिश ली है। और ये जो पनीर है, ये मैंने एक गिलास दूध को फाड़ के बनाया है। आप चाहो तो बाज़ार का भी पनीर ले सकते हो, लेकिन मैंने घर पर ही इसे बनाना अच्छा समझा, तो मैंने घर पर ही इसे तैयार किया है। तो एक गिलास दूध को फाड़ कर मैंने ये बना लिया। इससे हम बनाएंगे रसमलाई की फिलिंग। देखिए, मैंने बादाम को भी कूट लिया था और किशमिश भी मैंने इसमें डाल दी है। और इन सबको अब हमें करना है अच्छे से मिक्स। तो हम जब तक ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स और ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में आने लगा है। तो देखिए, फिलिंग बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अगर आप चाहो तो इसमें मीठा भी डाल सकते हो, नहीं तो आप दूध में ही इतना मीठा डालें कि ये अब उसमें अंदर तक अपने आप ही मिठास चली जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वही दूध ले लिया है जो मैंने पहले रेडी किया था। और इसमें मैं अब एक एक ब्रेड को थोड़ा डिप करूँगी और एक्स्ट्रा दूध को निकालते हुए, प्रेस करते हुए सारा दूध मैं निकाल दूँगी और फिलिंग इसमें डाल दूँगी, जिस तरह से हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना पानी में डिप करके ब्रेड को, और उसी तरह से हमें इसकी फिलिंग करनी है, सेम वही प्रोसेस से। और देखिए, आप चाहो तो कोई और शेप भी दे सकते हो, लेकिन हमारी जो रसमलाई होती है वो गोली होती है, इसीलिए मैं इसको गोल फॉर्म में ही बनाऊँगी। और देखिए, बिल्कुल ये बनकर हो गई है रेडी। तो इसी तरह से मैं सारी यहाँ पर ब्रेड से फिलिंग कर लूँगी। तो देखिए, मैंने एक और ब्रेड ले लिया है और उसका भी एक्स्ट्रा दूध निकालते हुए मैंने इसमें फिलिंग कर दी है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, इतना जल्दी बनके रेडी हो जाती है। अगर आपका मीठा खाने का मन है, मीठे के शौकीन हो, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो और झटपट से बनाकर खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ही ब्रेड से तैयार कर लिया है। अब मेरे पास ये था कोकोनट पाउडर और उसी से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, सारे पे ही मैंने यहाँ पर कोकोनट की अच्छे से डाल दिया है और मैंने इसमें डाला है येलो कलर, फूड कलर, येलो कलर का फूड कलर मैंने इसमें डाला है, क्योंकि जो हमारी रसमलाई होती है वो थोड़ी येलो येलो होती है। और आप चाहो तो इसे वाइट भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हो। और थोड़ा थोड़ा दूध हमें इस पर ऐसे ही डालते जाना है। ये वही दूध है जो मैंने मलाई से और चीनी से बनाया था। तो देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा इस पर डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है, ताकि जो हमारी जो मिठास है वो भी अंदर तक चली जाए ब्रेड में। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और इजी रेसिपी लेके आती रहूँगी, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने इस पर ऑरेंज फूड कलर से इस पर ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। अगर आप चाहो तो पिस्ता काजू से भी इसे डेकोरेट कर सकते हो, या फिर सिल्वर पेपर अगर आपके पास है तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने इसी से किया, यही मेरे पास अवेलेबल था।
और देखिए मैंने अब इसको कट किया है, कितने स्पॉन्जी टाइप से कट हो रही है आप देख रहे हो, और जो हमारा रस है वो भी ब्रेड्स में बिल्कुल इजीली अंदर तक चला गया है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।